नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। दोस्तों मैं हूं इस समय ऋषिकेश में। पीछे आप देख रहे हैं ये प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी में हम लोग ने लास्ट नाइट स्टे किया था। ये है द होस्टेलर की प्रॉपर्टी जो कि ऋषिकेश के अपर तपोवन एरिया में लोकेटेड है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं दूंगा इस होस्टेल का एक वर्चुअल टूर, और साथ ही साथ मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आप लोगों को मिलेगी इस होस्टेल में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लास्ट में आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि मैंने कितना पे किया यहाँ पे स्टे करने के लिए, और कौन कौन सी चीज़ें जो है मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी और क्या क्या इम्प्रूव हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगी ये डिसाइड करने में कि वेदर और नॉट अगर आप ऋषिकेश आते हैं तो आपको इस हॉस्टल में जो है बुकिंग करनी भी चाहिए कि नहीं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। जो भी मैं बताऊंगा इस हॉस्टल के बारे में वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊंगा। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये है इस प्रॉपर्टी का फ्रंट वाला एरिया। इस एरिया जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये है इस प्रॉपर्टी की छोटी सी पार्किंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे टू व्हीलर्स जो है काफ़ी सारी खड़ी है, तो अगर आप अपनी टू व्हीलर से आते हैं तो यहाँ पे पार्किंग की कोई दिक्कत होगी नहीं। फोर व्हीलर भी चाहे तो आप अपनी लेकर आ सकते हैं, ऑल्दो अगर आप फोर व्हीलर से आते हैं तो यहाँ अब तक आपको फोर व्हीलर लेकर आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। वो इसलिए कि ये जो एरिया है काफ़ी थोड़ा सा मेन रोड से अंदर लोकेटेड है, प्लस जो रास्ता जो आता है वो काफ़ी पतला है। तो अब चलते हैं हॉस्टल के अंदर, मैं आप लोगों को अंदर दिखाता हूँ कि अंदर से हॉस्टल जो है कैसा बना हुआ है। ये है दोस्तों हॉस्टल का रिसेप्शन एरिया। सामने है रिसेप्शन डेस्क जहाँ पे आप अपनी चेक इन फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं, और यहाँ पे दोनों तरफ गेस्ट के कन्वीनियंस के लिए दो काउचेस रखे हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेंगी सीढ़ियाँ, और साथ में है हॉस्टल का एलिवेटर जिनको यूज़ करके आप ऊपर के फ्लोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ, अपना रूम दिखा देता हूँ। रूम जो हमने बुक किया है वो है डॉर्म बेड वाला रूम जिसमें टोटल 6 बेड्स लगे हैं। रूम आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस है। इवन दो 6 बेड्स लगे हैं इस रूम में, फिर भी अच्छी खासी स्पेस है। रूम में आपको एक डिसेंट साइज़ टेबल और एक चेयर भी मिलता है। इन केस आपको कुछ ऑफिस वगैरह का काम करना है तो आप ये टेबल और चेयर यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस विंडो से आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो व्यू आ रहा है कितना बढ़िया आ रहा है। हमारा रूम 4th फ्लोर पे है इसीलिए ये अमेजिंग वाला व्यू आ रहा है। हो सकता है कि नीचे के फ्लोर्स पे ऐसा वाला व्यू ना मिले। रूम में आपको एक ये फुल साइज़ मिरर भी मिलेगा। रूम में जो डॉर्म बेड्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, प्लस डिसेंट साइज़ आपको हेडरूम भी मिलेगा। तो अगर आप बेड पे बैठते भी हैं तो आपका सिर जो है ऊपर के बेड में लगेगा नहीं। हर बेड के साथ आपको चार्जिंग पॉइंट्स मिलते हैं अपने फ़ोन्स लैपटॉप्स वगैरह को चार्ज करने के लिए। साथ ही साथ हर बेड के साथ एक सेपरेट लैम्प भी है, जस्ट इन केस किसी को रात में काम करना है तो दूसरे गेस्ट को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। नीचे आप देख सकते हैं नीचे जो है एक ड्रॉअर मिलता है हर गेस्ट के लिए जो कि काफ़ी स्पेशियस है, जिसमें आप अपना लगेज रख सकते हैं। रूम में आप देख सकते हैं स्प्लिट एसी भी लगा हुआ है। दरवाजे के पास आप देख सकते हैं एक चार्जिंग पॉइंट है, प्लस एक छोटा सा शेल्फ है, और दूसरी साइड में आप देख सकते हैं कि ये डिसेंट साइज कबर्ड है। इन केस अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा सामान है तो गेस्ट जो है इस कबर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है दोस्तों इस रूम का बाथरूम। नीचे आप देख सकते हैं छोटा सा बेसिन है, ऊपर एक मिरर है, साथ में चार्जिंग पॉइंट्स हैं इन केस आपको कुछ ट्रिमर वगैरह यूज़ करना है। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं कोमोड है, एंड उस साइड जो है आपका शावर वाला एरिया। तो ऑल इन ऑल डिसेंट साइज़ बाथरूम है, काफ़ी साफ़ सुथरा है आई मस्ट से। हॉस्टल के हर फ्लोर पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर डिस्पेंसर है जिसमें आपको ठंडा गर्म पानी 24/7 मिल जाएगा। रूम में आपको कोई कॉम्प्लीमेंट्री पानी की बॉटल वगैरह नहीं मिलती है। और ये है दोस्तों हॉस्टल का कैफेटेरिया जो कि 5th फ्लोर पे लोकेटेड है। आप देख सकते हैं कि ये हॉस्टल का कैफेटेरिया कितना बढ़िया डिज़ाइन किया हुआ है। दीवार पे ये पेंटिंग या वॉलपेपर जो भी है काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों ये कैफेटेरिया जो है काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पे गेस्ट के एंटरटेनमेंट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बोर्ड गेम्स है, प्लस अगर किसी को बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट है तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बुक्स वगैरह भी रखे हैं। कैफेटेरिया के दूसरी साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे फूस टेबल भी है, प्लस यहाँ पे कैरम बोर्ड है, और साथ ही साथ यहाँ पे सोफ़ा और कुछ काउचेस लगे हैं गेस्ट के लिए, और यहाँ पे एक टेबल चेयर भी है जहाँ पे आप अपने मील्स को एंजॉय कर सकते हैं, और ये है कैफेटेरिया का काउंटर जहाँ पे आप अपना खाना ऑर्डर कर सकते हैं।
दोस्तों ये जो एरिया है ये है कैफेटेरिया के बाहर का एक बहुत ही बड़ा सा बालकनी वाला एरिया जिसमें काफी सारी चेयर्स वगैरह लगी है। आप चाहे तो यहाँ पे भी नाश्ता वगैरह चाय वगैरह जो है अपनी लेकर यहाँ पे खाना खा सकते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट है इस जगह का वो ये कि यहाँ के जो व्यूज देखिए कितने बढ़िया आ रहे हैं पहाड़ों का, पूरे मतलब ऑलमोस्ट ऋषिकेश का जो है एक पैनोरामिक व्यू मिलेगा और यहाँ से पहाड़ों का ऑलमोस्ट 180 डिग्री व्यूज मिलेगा आप लोगों को, जो कि बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो अब दोस्तों मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ हॉस्टल के टेरेस पे और चल के देखते हैं कि टेरेस पे क्या कुछ मिलता है गेस्ट के लिए। हॉस्टल के कैफेटेरिया से आप सीढ़ियाँ लेकर सीधे पहुँच सकते हैं टेरेस पे। तो दोस्तों ये है इस हॉस्टल का टेरेस वाला एरिया। टेरेस जो है काफी बड़ा, आप देख सकते हैं कितना स्पेशियस है। यहाँ पे देख सकते हैं आप चेयर्स और टेबल्स लगे हुए हैं काफी सारे, उधर भी बेंचेस और टेबल्स है। तो आप चाहे तो यहाँ पे भी आप अपना खाना जो है ऑर्डर कर सकते हैं और आपका खाना जो है कैफेटेरिया से यहाँ पे भी सर्व हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों ने चाय पी रखी है। तो यहाँ से जो व्यू आ रहा है आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग व्यू है। नीचे बालकनी से भी व्यू बढ़िया आ रहा था, बट देन यहाँ से जो व्यू मिलेगा आपको ऑलमोस्ट 360 डिग्री का व्यू मिलेगा दोस्तों। तो ऑल इन ऑल मैं बताऊँ तो ये जो टेरेस है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस हॉस्टल। यहाँ से जो व्यू आ रहा है बहुत ही अमेजिंग है गाइस। एक और चीज दिखाता हूँ दोस्तों आप लोगों को, मेरे साथ आइए आप। दोस्तों ये है इस हॉस्टल का पूल। अभी जनवरी का महीना है, ठंड का दिन है, ठंड बहुत ज्यादा है तो इसीलिए अभी पानी नहीं है, बट अगर आप समर्स में आते हैं तो इस हॉस्टल के पूल को भी इंजॉय कर सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अब पूल एक्चुअली समर में आएंगे और पूल होगा, पूल को यूज करेंगे, यहाँ से व्यूज जो आएंगे पूल से कितने अमेजिंग आएंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि ऑल दो हॉस्टल है, आपको कितना कम पे करना पड़ रहा है यहाँ पे स्टे करने के लिए, बट देन आपको फैसिलिटीज जो मिल रही है कितनी बढ़िया मिल रही है। पूल आपको शायद ही अगर आप ऋषिकेश में किसी होटल में, ऐसे होटल में रहते हैं जहाँ पे स्विमिंग पूल हो, तो वहाँ पे आपको काफी सारे चार्जेस पे करने पड़ते हैं, बट देन यहाँ पे आप 400-500 रुपए पे करके एक बेड जो है अपने लिए बुक कर सकते हैं। देन यू कैन यूज दिस सर्विस, जितने भी अमेजिंग सर्विसेज है इस हॉस्टल के इंक्लूडिंग दिस पूल और इतना बढ़िया व्यू, आप सिर्फ मात्र 500-600 रुपए खर्च करके जो है एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, नाश्ता हम लोग का आ गया है। नाश्ते में हमने छोले भटूरे प्लस लस्सी ऑर्डर किया है। जैसा कि मैंने बताया था कि टेरेस पे जो है आप अपना खाना ऑर्डर कर सकते हैं और ये जो अमेजिंग वाला व्यू है इसके साथ जो है अपने खाने का आनंद ले सकते हैं आप। तो दोस्तों ये था इस हॉस्टल का एक वर्चुअल टूर। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस हॉस्टल में स्टे करने के लिए हमने कितना पे किया। तो इस हॉस्टल में एक्चुअली दो टाइप के ऑप्शंस हैं आपके लिए। आप चाहे तो यहाँ पे प्राइवेट रूम्स बुक कर सकते हैं जैसे होटल्स में होते हैं, या फिर आप डॉर्मेट्रीज में जो है बेड अपने लिए बुक कर सकते हैं। डॉर्मेट्रीज जो है दो दो टाइप्स की है यहाँ पे। एक जो डॉर्मेट्रीज है उसमें 10 बेड्स है, 10 बेड्स है, विच मीन्स कि 10 लोग जो है एक सिंगल वॉशरूम को शेयर करेंगे, बट वो जो है काफ़ी सस्ते पड़ते हैं आपको। करीब वीकडेज पे आइएगा तो 400 रुपये के आसपास जो है आपको वो एक बेड का पे करना पड़ेगा। बट हमने जो बुक किया था, हमने भी डॉर्मेट्रीज में ही किया था, लेकिन हमने जो बुक किया था उसमें 6 बेड्स है, विच मीन्स कि 6 लोग जो है एक वॉशरूम को शेयर करेंगे। तो हमने उसके लिए पे किया, करीब टैक्सेस वगैरह मिला के हम लोगों को पड़ा था करीब 600 रुपये, 600 रुपये से थोड़ा सा कम पड़ा था पर बेड। बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हॉस्टल में जो है साफ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा गया है। अब 6 बेड्स हो या 10 बेड्स वाले डॉम्स, वॉशरूम्स को जो है दिन में 2-3 बार क्लीन किया जाता है। वो इसलिए भी कि इतने सारे लोग हैं सिंगल वॉशरूम यूज कर रहे हैं तो हो सकता है गंदगी हो जाए, तो उसको जो है साफ सफाई का मेंटेनेंस जो है इस हॉस्टल में काफ़ी ज़्यादा रखा गया है। जहाँ तक रूम्स की बात करें तो रूम्स में भी 2 या 3 टाइप के रूम्स हैं। वो आप जो है इनके वेबसाइट पे, जिसका मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं कि प्राइसेस क्या है। वीकेंड्स पे प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, वीकडेज पे अगर आप आइएगा तो प्राइसेस जो है आपको थोड़ा सा कंपेरेटिव मिलेंगे, काफ़ी सस्ते में आप लोगों को यहाँ पे रूम्स मिल जाएंगे। तो रूम्स का भी जैसा कि मैंने बोला कि ऑप्शंस 2 या 3 टाइप के रूम्स हैं। अगेन एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ऑफलाइन बुकिंग का ऑप्शंस नहीं है दी हॉस्टलर में। हम लोग हॉस्टल में आए थे, हमने सोचा था कि ऑफलाइन बुकिंग करेंगे, बट यहाँ पे भी आके हम लोग ऑनलाइन ही बुक करना पड़ा। तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पे आके आप ऑफलाइन बुकिंग नहीं कर सकते। बुकिंग के लिए आपको उनकी वेबसाइट या फिर मेक माई ट्रिप वगैरह दूसरे जो पोर्टल्स हैं जिन पे लिस्टेड है हॉस्टलर की प्रॉपर्टी, वहाँ पे से जाके आप बुकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस हॉस्टल की कौन कौन सी चीज़ें मुझे अच्छी लगी।
सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे लगी इस हॉस्टल की वो यहाँ से आने वाले जो व्यूज़ हैं, वो टेरेस हो या फिर नीचे का बालकनी वाला एरिया हो कैफेटेरिया के साथ, जो है यहाँ से जो व्यूज़ आते हैं पूरे वैली के, बहुत ही अमेजिंग है, नो डाउट। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा जो मुझे अच्छी लगी फॉर ए हॉस्टल स्पेशली इंडिया में, यहाँ पे मतलब रूम से लेके बेड से लेके हर चीज़ जो है काफ़ी स्पेशियस है, यहाँ तक कि कैफेटेरिया भी नीचे का काफ़ी बड़ा है। तो ये चीज़ जो है मुझे बहुत अच्छी लगी। जनरली हॉस्टल्स में स्पेशली इंडिया में आपको इस तरीके का जो है रूम्स, बड़े बड़े रूम्स और बड़े बेड्स, इतने स्पेशियस बेड्स वगैरह जो है आपको कहीं नहीं मिलते। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगी। ऑल दो मैंने हॉस्टल में इंडिया में कहीं और स्टे नहीं किया है, बट देन जो भी मैंने एक्सपीरियंसेस लोगों के मुंह से सुने हैं हॉस्टल्स के बारे में, जनरली वो उतना अच्छा नहीं रहता है। तो उसके बेसिस में बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे स्पेस वाइज जो है काफ़ी बढ़िया। दोस्तों इसके साथ साथ मैं कुछ ऐसी चीज़ों को भी पॉइंट आउट करना चाहूँगा जो आप लोगों को कंसिडर करना चाहिए बिफोर यू कंसिडर टू बुक दिस प्रॉपर्टी। एक चीज़ तो मतलब कि ऑल दो यहाँ से व्यूज़ तो नो डाउट बहुत ही अमेजिंग आते हैं, और ये मेन रोड से इतना ज़्यादा अंदर भी नहीं है, बट अगर आप फोर व्हीलर से आते हैं तो इट विल बी अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। आप फोर व्हीलर से शायद इस हॉस्टल की पार्किंग तक ना आ पाए। दूसरी बात है, पार्किंग जो है मतलब ठीक ठाक है, डिसेंट है, यहाँ पे मैंने फोर व्हीलर खड़ी देखी नहीं है, तो आई डोंट थिंक यहाँ पे फोर व्हीलर की पार्किंग जो है, फोर व्हीलर आप लेकर आ सकते हैं। रोड्स भी थोड़े से मतलब पतले हैं यहाँ से आने वाले, हम भी स्कूटी से ही आए थे। ऑल दो पार्किंग की मतलब ठीक ठाक स्पेस है, और अगर आप टू व्हीलर से आते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बट हाँ फोर व्हीलर लेकर आना यहाँ पे एक चैलेंज होगा। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि एक दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि रूम्स में हम लोग के जो नीचे के ड्रॉर्स वगैरह थे जिसमें मतलब आप लगेज वगैरह रख सकते हैं, वो थोड़े से रिपेयरिंग उनकी ज़रूरत है, वो ठीक से खुल नहीं रहे थे। बस दूसरी चीज़ मैं बताऊँगा कि बाथरूम में हुक्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, इन केस आप बाथरूम यूज़ कर रहे हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू हैंग समथिंग, उसके लिए आपको कोई ऑप्शंस नहीं है। तो ये एक दो चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि यहाँ पे इम्प्रूव हो सकती हैं, एंड आई थिंक कि मैनेजमेंट को जो भी है वो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेस्ट का जो है बेटर हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगी ये डिसाइड करने में कि अगर आप ऋषिकेश आते हैं और आपको एक हॉस्टल में स्टे करना है तो आपको ये हॉस्टलर वाली ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो है कंसिडर करनी भी चाहिए कि नहीं। अगर वीडियो से वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और इस तरह की और वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा बहुत जल्दी ऋषिकेश की एक और नई वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।